हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के एल स्टडी। फ्रेंड्स, एमपी टेट वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम्स के लिए आज से हम यहां पर स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके साइंस सब्जेक्ट में जो बायोलॉजी है उसके प्रैक्टिस सेट। क्योंकि जो बायोलॉजी की थ्योरी है, लगभग लगभग जो पात्रता परीक्षा में आपका सिलेबस दिया गया था बायोलॉजी का, वो वहाँ पर कवर होने वाली है। तो आप सारे सेशन देख सकते हैं। बायोलॉजी की जो थ्योरी है उसमें आपको एनसीईआरटी के साथ साथ अदर जो ऑथेंटिक बुक्स होती हैं, जैसे एमपी टेट की पुरानी, एमपी बोर्ड की पुरानी जो बुक्स होती हैं, उनकी थ्योरी आप इन सेशंस में देख सकते हैं। ठीक है, तो लगभग बायोलॉजी की 65 प्लस थ्योरी वाली क्लासें हमारी हो गई हैं। इनको आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और जिस तरीके से आपकी पात्रता परीक्षा का सिलेबस दिया गया था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट हमने पहले भी लगवाए थे, लेकिन वहाँ पर केवल 4 से 5 प्रैक्टिस सेट ही आपको दे पाए थे। और फिर हमने केमिस्ट्री या अन्य जो आपका सब्जेक्ट है उसको स्टार्ट कर दिया था, लेकिन यहाँ पर अब हम पूरे के पूरे जो हमने थ्योरी में टॉपिक कवर कर लिए हैं उन सभी के प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो भले ही यहाँ पर क्वेश्चनों की संख्या कम रहेगी, लेकिन आप इनका विश्लेषण जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन के माध्यम से आपके लगभग 10 क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं। और यहाँ पर आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले हमने इनकी थ्योरी कवर कर ली है। जिसने थ्योरी वाले सेशन नहीं देखे हैं पहले, आप ज़रूर देखें उनको, ताकि आप प्रैक्टिस सेट आसानी से लगा पाएँ। क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट तभी हम लगा पाते हैं जब हमारी थ्योरी क्लियर होती है। तो बायोलॉजी के कुछ अभी हमारे जो हैं, जैसे पात्रता परीक्षा में जो सिलेबस दिया है, तो जो टॉपिक वहाँ रह गए हैं उनको भी हम कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। लेकिन शुरुआत से जो टॉपिक हमने स्टार्ट किए थे, जैसे बायोलॉजी का फर्स्ट आपका चैप्टर दिया गया था सजीव जगत, तो सजीव जगत में हमने कोशिका से स्टार्ट किया हुआ था। तो एक बार हम थ्योरी वाली क्लास देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने हमारे सारे जो सेशंस हैं उनको स्टार्ट किया, और आपकी पात्रता परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए यहाँ पर जब हमारी पात्रता परीक्षा हुई थी उसी के लगभग 1-2 दिन बाद से ही हमने बायोलॉजी की मेंस परीक्षा के लिए क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, और यहाँ पर आपको बहुत ही डीप में चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो है, हमने सजीव जगत में आपकी सेल यानी कोशिका को स्टार्ट किया था। और कोशिका एवं कोशिका की संरचना आप कहीं पर भी आप उठाकर देखिए, साइंस में यदि बायोलॉजी पूछी जानी है तो आपका जो पहला टॉपिक है वो आपको कोशिका देखने को मिल जाएगा। और कहने में तो ये आसान है कि कोशिका, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा ये चैप्टर होता है, बहुत लेंथी चैप्टर होता है, और इसको आप केवल एक लेक्चर के माध्यम से कवर नहीं कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। यदि आपसे कहें कि एक लेक्चर में तो मात्र आप कोशिका का बेसिक ही समझ पाएंगे, तो बिल्कुल उसी तरीके से हमने आपको थ्योरी वाली क्लासेस दी थी। पहले हमने जो कोशिका स्टार्ट की थी, मतलब कोशिका वाला जो टॉपिक स्टार्ट किया था, उसमें सबसे पहले आपको बताया था कि कोशिका कहलाती क्या है। ठीक है, क्या है कोशिका, इसके अध्ययन को क्या कहेंगे। ठीक है, इसके बाद कोशिका की खोज से संबंधित जो विद्वान आए, किसने क्या कोशिका के बारे में कहा, कब इसकी खोज हुई, किसने जीवित कोशिका के बारे में बताया, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई थी। इसके बाद आपका जो है कोशिका के बाद में उसकी आकृति, संख्या, साइज भी बताया था। फिर कोशिकाओं की संख्या से भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर कोशिका से संबंधित जितनी भी खोजें हुई, जैसे कोशिका है तो कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रिका होती है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोसोम, गाल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, तो इनकी खोज किसने की है, और इनके सन भी आपको बताए थे कि कब इनकी खोज हुई और किसने इनकी खोज की थी। यहाँ से डायरेक्ट फैक्ट के रूप में क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर देखिए यहाँ पर आगे जो है, हमने कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी आपको कवर करवाई थी। तो इस तरीके से जो क्रमबद्ध रूप से आपको जो कोशिका वाला टॉपिक है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। फिर कोशिका जो सिद्धांत है उसके कुछ अपवाद रहे। फिर सेकंड लेक्चर में आपको कोशिका की साइज, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती, सबसे छोटी कौन सी होती है, कोशिका संरचना इसके प्रकार ही आपको बताए। फिर पूरे के पूरे कोशिकांग, मतलब जो कोशिका है वो किससे 3 भागों से मिलकर बनी, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, तो इनका पूरा का पूरा विश्लेषण आपको दिया है। यहाँ सारी चीज़ें बताई
सारे के सारे जो सेल ऑर्गनल्स होते हैं, तो ये आपको बताए, ठीक है। तो इसी क्रम में हम प्रैक्टिस सेट को भी स्टार्ट करेंगे। भले ही आपने प्रैक्टिस सेट ये पहले देख लिए हों, लेकिन दोबारा से ज़रूर देखिए, इससे आपकी चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी। और फिर आगे जो टॉपिक हमारे बचे हैं, जैसे ऊतक से हमने छोड़ दिया था, तो ऊतक वाले टॉपिक से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कवर करवाएंगे, और फिर आपके जो आगे के चैप्टर रहेंगे उनके प्रैक्टिस सेट आपको करवाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने थ्योरी को कवर किया था, तो ये सारे के सारे सेशन आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस तरीके से जो थ्योरी वाली आप क्लास देख रहे हैं, 65 प्लस क्लासें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आप सोचिए 65 प्लस क्लासों में आप कितनी थ्योरी कवर कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो है सेशन चला हुआ था, किसका, कोशिका वाला, जो फर्स्ट टॉपिक है सजीव जगत का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। तो आज हम फर्स्ट प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, और उसमें इसी रूप से, क्रमबद्ध रूप से, मतलब पहले जो कोशिका के बेसिक्स होते हैं उनसे जो क्वेश्चन बनते हैं उनको लगाएंगे, ठीक है। फिर आपके दूसरा जो प्रैक्टिस सेट लाएंगे, उसमें जो कोशिका से संबंधित विभिन्न आपके जैसे कोशिकांग हो गए, ठीक है, जैसे जैसे हमने थ्योरी पढ़ी है उसी क्रम में हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ताकि आपको पढ़ने में भी सुविधा हो, और आपने थ्योरी कवर कर ली है तो आप आसानी से प्रैक्टिस सेट लगाते जाएँ, ठीक है। तो आइए लगाते हैं आज की प्रैक्टिस सेट को। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट रहेगा। भले ही क्वेश्चनों की संख्या कम है, लेकिन आप थोड़ा सा इनके विश्लेषण पर ध्यान देने का प्रयास करना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, यदि आपने थ्योरी कवर कर ली है तो अपने आप से क्वेश्चन लगाते जाइए कि किसका आंसर क्या होगा। तो बेसिक से जो हमने स्टार्ट किए हैं प्रैक्टिस सेट, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो देखिए, कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। अब यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं, कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को कोशिका विज्ञान कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान कहा जाता है, जीव विज्ञान कहा जाता है, या भौतिक विज्ञान कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपको देना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपने अपना आंसर लगा लिया होगा, कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहेंगे हम, कोशिका विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन इसका फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये हिंदी में पूछा गया है, ठीक है। अब इससे दूसरा क्वेश्चन कैसे, तो पहले हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं, क्या कहते हैं कोशिका विज्ञान। इसका ये करेक्ट आंसर आपको मिल गया होगा। अब देखिए, कोशिका विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है। तो आपको पता होगा कोशिका विज्ञान किसकी शाखा है, आपके जीव विज्ञान की शाखा है, ठीक, बायोलॉजी की शाखा है। इसके अंतर्गत कोशिकाओं और उसके अंदर की वस्तुओं की रचना और कार्यकी का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं, या टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको देना है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, साइटोलॉजी। हर एक चीज़ का एक अध्ययन होता है किसी ना किसी विशेष शाखा के अंतर्गत। तो कोशिका का अध्ययन कहाँ होता है, साइटोलॉजी के अंतर्गत। यदि हिस्टोलॉजी बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत किसका अध्ययन होता है, ऊतकों का अध्ययन, ठीक है। तो याद रखिए, तो साइटोलॉजी, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी, और यह पैथोलॉजी की एक शाखा मानी जाती है साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कोशिका शब्द की उत्पत्ति शब्द सेलुला से हुई है, और यह किस भाषा का शब्द है, सेलुला किस भाषा का शब्द है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये बेसिक क्वेश्चन है। तो ए लैटिन भाषा का शब्द है, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिका शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द सेलुला से हुई है, तो लैटिन भाषा के, और इसका अर्थ क्या होता है, एक छोटा बेस्म, स्मॉल कंपार्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, या जीवन की कार्यात्मक इकाई क्या है, या जीवन की संरचनात्मक इकाई क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोशिका जीवन की मूलभूत और संरचनात्मक इकाई मानी जाती है। अब कोशिका जीवों की आधारभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग, मतलब जो जीवित प्राणी हैं उनकी आधारभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है, आपकी सेल है, कोशिका है।
अब यह एक विशिष्ट पारगम्य कला से घिरी रहती है। अब ये पारगम्य कला क्या है, जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, इसके द्वारा ये कोशिका घिरी रहती है। और इसका कार्य क्या होता है, इस पारगम्य कला का, इसको सुरक्षा संरचना प्रदान करना, ठीक है, तथा इसमें प्रायः स्वजनन की क्षमता होती है, सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है। मतलब जैसे किसी भी बॉडी में कहीं पर भी जो कोशिकाएं हैं वो टूट फूट हो जाती हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ही क्या कर लेती हैं, वहाँ पर जुड़ जाती हैं, स्वजनन कर लेती हैं। प्रत्येक जीव का शरीर एक सूक्ष्मतम इकाई के द्वारा, जिस तरीके से एक मकान का निर्माण छोटी छोटी ईंटों से होता है, उसी तरह से जो जीव है, जो जीवित है, उसके शरीर का निर्माण सूक्ष्मतम इकाई जो आपकी कोशिका मानी जाती है उससे होता है, उसी को हम सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का सबसे पहले पता अर्थात कोशिका की खोज किसने की थी। तो ये यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो बनता है कोशिका की खोज किसने की थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। जीवित यदि जुड़ जाता है तो फिर इसका आंसर चेंज हो जाएगा, सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी आपके ल्यूवेन हुक ने, जिन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो याद रखिए। और इन्होंने जो सबसे पहले कोशिका की खोज की थी, ये मृत कोशिका थी, ठीक है, लेकिन जीवित कोशिका की सबसे पहले खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, ये याद रखना। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी, स्लाइडन एवं स्वान ने 1838-39 में कोशिका सिद्धांत दिया था, ठीक। तो देखिए यहाँ रॉबर्ट हुक इसका करेक्ट आंसर है। कोशिका का सबसे पहले पता किसने लगाया, तो आपको रॉबर्ट हुक कहना है। यदि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक, जब तक जीवित नहीं जुड़ता तब तक रॉबर्ट हुक सही है आंसर। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन में पूछ लेता है कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो फिर आपका ऑप्शन बदल जाएगा, ल्यूवेन हुक हो जाएगा, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका का पता लगाया 1665 में। उसने कोशिका को कार्क की एक पतली काट में अनगढ़ मतलब स्वयं के द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से देखा था। तो ये भी पूछ लेता है कहाँ पर देखा था, तो कार्क की पतली काट में। ल्यूवेन हुक ने 1674 में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका की खोज की। तो जीवित कोशिका की खोज किसने करी, ल्यूवेन हुक ने, कब करी, सन 1674 में। जबकि सबसे पहले कोशिका का पता किसने लगाया, रॉबर्ट हुक ने, कब लगाया, 1665। और ये पिछली बार का क्वेश्चन है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखिए, रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज उन्हें डैश में देखकर की थी, कहाँ पर देखकर की थी, तो क्या प्याज की झिल्ली में, पतले कार्क के टुकड़े में, तालाब के जल में, या पेड़ की छाल में। तो अभी आपको बताया जो रॉबर्ट हुक हैं, इन्होंने सबसे पहले जो कोशिका को देखा था वो पतले कार्क के टुकड़े में देखा था। और जो आपके यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हुक ने की थी, वो तालाब के जल में। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये ल्यूवेन हुक ने खोज करी थी तालाब के जल में, और पतले कार्क के टुकड़े में आपके रॉबर्ट हुक ने खोज की थी। नेक्स्ट है, यहाँ देखिए थोड़ा सा, मानव शरीर में कोशिका की खोज सबसे पहले ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट हुक ने 1665 में, अनगढ़ का मतलब जो स्वयं ने बनाया है, उस सूक्ष्मदर्शी में कार्क की पतली काट में अनेक सूक्ष्म मोटी भित्ती वाली मधुमक्खी के झत्ते के जैसी कोठरियां देखी, और इन्हीं कोठरियों को उन्होंने कोसा नाम दिया। यह कोसा शब्द लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है एक सूक्ष्म कक्ष। अब जो रॉबर्ट हुक है, इनका अध्ययन इनकी प्रसिद्ध पुस्तक माइक्रोग्राफिया से प्रकाशित हुआ है। तो ये भी याद रखिए कि इनकी जो पुस्तक है वो कौन सी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ल्यूवेन हुक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिका की खोज डैश में करी थी। तो अभी बताया ल्यूवेन हुक ने सबसे पहले जीवित कोशिका जो कि स्वतंत्र थी, इसकी खोज कहाँ पर की थी, तो तालाब के जल में इन्होंने खोजा था, ठीक है। ल्यूवेन हुक ने 1674, सन भी याद रखना, उन्नत सूक्ष्मदर्शी द्वारा तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल किसे कहा जाता है। तो कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19वीं सदी का अंतिम चौथाई काल जो है वो कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल है। अभी क्या कहलाता है, तो थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर।
19वीं सदी का अंतिम चौथाई काल कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल कहा जाता है, क्योंकि इस समय कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण खोजें हुई थीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं के बने होते हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। दिया गया कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का है? मतलब सभी पौधे और जो जंतु हैं, मतलब जीवित जो हैं, पौधे भी जीवित हैं, जंतु भी जीवित हैं, तो एक इससे बने हैं कोशिका से, और कोशिका उनके जीवन की मूलभूत इकाई है, तो यह सिद्धांत किसका है? मतलब किस, यहाँ पर ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये कथन कहाँ पर कहा गया है? क्या जैव विकास के सिद्धांत में, वंशानुगति के सिद्धांत में, प्राकृतिक वरण सिद्धांत में, या कोशिका सिद्धांत में? तो बिल्कुल यहाँ कोशिका की बात की गई है, वो कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब कोशिका सिद्धांत में कहा गया है कि सभी पौधे और जंतु कोशिकाओं के बने होते हैं, अतः कोशिका ही जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो स्लाइडेन एवं स्वान थे। तो आप सेल थ्योरी थ्योरी वाली क्लास में अच्छे से पढ़ सकते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? तो आपको इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में देना है। यदि आपने थ्योरी पढ़ी है तो आप इसका आंसर ज़रूर दे पाएंगे, और उसके साथ ही साथ आप सारे यहाँ से जितने क्वेश्चन बनते, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, ये सारे के सारे कमेंट्स में छाप दीजिए, ठीक है। तो आज के सेशन में इतने ही, 10 क्वेश्चन करेंगे। अगले सेशन में जो कोशिका के अगले जो हमने थ्योरी कवर की थी उससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे। यदि आपका कहीं पर भी कोई भी डाउट बनता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, और ज़रूर बताइए कि आप इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट को लगाना चाहते हैं या केवल आंसर बस आपको टिक करवाना है, और मतलब प्रैक्टिस सेट केवल क्वेश्चन टिक करके ही करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।